दोस्तों हर फ़ोन में कुछ अच्छी बात भी होती है, कुछ बुरी बात भी होती है। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रीज़न जो आपको रेडमी का 6 प्रो स्मार्टफोन को आपको एवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हर फ़ोन में कुछ अच्छी बात भी होती है, कुछ बुरी बात भी होती है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे रीजन्स जो आपको ये स्मार्टफोन को एवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो का हम लाइक टारगेट 25 लाइक रखते हैं। जल्दी से जल्दी 25 लाइक्स तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए और वीडियो को शुरू कर। दोस्तों जो पहला रीजन है ये स्मार्टफोन को आपको एवॉइड कर देना चाहिए, दोस्तों इसमें आपको 5.84 इंच का आपको FHD प्लस का डिस्प्ले वाला आपको नॉच वाला डिस्प्ले तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पर कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, जिस प्राइस में ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है 11,000 और 13,000 के ब्रांड में, तो इसमें आपको कम से कम गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो कंपनी की तरफ से दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ ये है उसका रैम। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर आपको 3 GB का रैम और 4 GB का रैम में से 2 रैम वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो रैम मिलता है ये स्लो रैम मिलता है, पुराना वाला आपको रैम मिलता है, DDR3 वाला आपको रैम ये स्मार्टफोन पर आपको देखने को मिलता है, जबकि 11,000 में आपको DDR4X वाला रैम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको DDR3 वाला आपको रैम देखने को मिलता है। दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन मैं आपको बताऊंगा जो आपको ये स्मार्टफोन को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में सिर्फ आपको 5 MP का आपको फ्रंट शूटर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से 11,000 और 30,000 फ़ोन के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। तकरीबन आपको आज के टाइम पे 8 MP कैमरा तो फ्रंट कैमरा में कंपलसरी आपको, अगर अबव 10,000 जा रहे हैं 10,000 जा रहे हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पर आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, उसके साथ आपको फ्रंट में LED फ्लैश का ऑप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये स्मार्टफोन ये डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का ना मिलना। दोस्तों इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी, बहुत ही अच्छा खासा बैटरी मिल जाता है, चिपसेट भी जो मिलता है बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है, और जो चिपसेट मिलता है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से फास्ट चार्जिंग का अडाप्टर भी नहीं दिया हुआ है, वही स्मार्टफोन आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं करता है, जबकि आपको प्राइस अगर 13,000 rupees आप स्पेंड कर रहे हो तो आज के ज़माने में मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको दे देना चाहिए था। दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन ये स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर आपको USB टाइप सी का ऑप्शन भी ये स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता, जबकि आपको 13,000 rupees में मैं अभी मानता हूँ आपको USB टाइप सी की तरफ मूव हो जाना चाहिए Xiaomi की तरफ से। दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन है थोड़ा ओवर प्राइस। दोस्तों मैं मानता हूँ जो 4 GB और 64 GB वाला का प्राइस है, मैं मानता हूँ थोड़ा ओवर प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर आपको DDR3 में रैम मिलता है और 64 GB का स्टोरेज मिलता है, स्नैपड्रैगन का 625 के हिसाब से 13,000 rupees मैं मानता हूँ थोड़ा ओवर प्राइस है। हालांकि यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन नॉच वाला डिस्प्ले दे देने से प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो जाता। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस, मतलब 13,000 rupees में आपको 4 GB रैम वेरिएंट में देखने को मिलता है, जबकि आपको 13,000 rupees में आपको SS का ZenFone Max Pro आपको 4 GB 64 GB स्नैपड्रैगन 636 के साथ आपको 5000 mAh के बैटरी के साथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप ये टॉप 5 पॉइंट में आप भी एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी एक रेड कलर का बटन है नीचे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।